अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलो ठीक है। हम टाइप्स पढ़ रहे थे शॉक के। टाइप्स, शॉक के टाइप में से हमने जो है वो सबसे पहले हाइपोलीमिक शॉक पढ़ा, जिसमें डिहाइड्रेशन के इंटरनल कॉसेस। ठीक है, हाइपोलीमिक शॉक। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इंटरनल कॉजेस कैसे हाइपोलेमिक शॉक में। तो अगर इंटरनल कोई हेमरेज है तो ब्लड जो है वो फिर भी बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन इंट्रावेस्कुलर से निकल के वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, या कार्डियो या इंट्रावेस्कुलर से निकल के इंटरस्टीशियल में चला जाता है। नेक्स्ट है बर्न। बर्न में क्या होता है? बर्न में आपका फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाता है वेसल से, ब्लड वेसल से निकल के कहीं और। नेक्स्ट है असाइटिस। असाइटिस में क्या होता है? थर्ड स्पेसिंग होती है, आपकी बॉडी फ्लूइड जो है, आपका बॉडी फ्लूइड जो है वो शिफ्ट कर जाता है। पेराटोनाइटिस। पेराटोनाइटिस में सेम असाइटिस की तरह जो है वो फ्लूइड शिफ्ट कर जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो है वो हम इसीलिए हम इसमें भी कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन जो है वो डायरिया, डायजोरेसिस या वॉमिटिंग के हिसाब से जो है वो डिहाइड्रेशन है। लेकिन इंटरनल डिहाइड्रेशन क्या है, या इंटरनल में हमने डिहाइड्रेशन जो है वो क्यों लिखा है, उसकी भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि डिहाइड्रेशन, जब कॉन्टीन्यूसली डिहाइड्रेशन होता है तो इंटरनल ऑर्गन जो है वो डैमेज कर जाते हैं। वो क्या नाम होता है, अगर डिहाइड्रेशन है, कोई भी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में किडनीज को भी, किडनीज को फ्लूइड कम मिलेगा, लीवर को कम मिलेगा, ब्रेन को कम मिलेगा। तो ये ऑर्गन्स जितने भी है ना, ये ऑर्गन्स सारे उसी डिहाइड्रेशन की वजह से जो ये ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे। तो तब भी जो इन्हें फ्लूइड जो है वो कम मिलेगा, या अगर इन्हें फ्लूइड चाहिए तो बाकी ऑर्गन से शंट होकर इन्हें ब्लड मिलेगा या इन्हें फ्लूइड मिलेगा। इस वजह से हमने डिहाइड्रेशन को इंटरनल में भी इंक्लूड किया है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का डिहाइड्रेशन हो तो डिहाइड्रेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आएगा? इन ऑर्गन्स पे आएगा। ठीक है, इन्हें जो है वो ब्लड नहीं मिलेगा, फिर अगर हम इनकी ब्लड को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो बाकी ऑर्गन से फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, वहाँ पे शंटिंग होगी और ब्लड जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, लास्ट सेक्शन में हमने न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में पढ़ा था, उसके बाद एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक, अब सेप्टिक शॉक क्या है? सेप्टिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी शॉक।
इज कॉज बाई वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन। सेप्सिस के बारे में सुना है, सेप्सिस क्या है? जब ब्लड के अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ब्लड के अंदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइड उस वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक क्या है? सेप्टिक शॉक जो है, जब भी वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो, ठीक है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, और इसी की वजह से जो है ये लीड करता है किस चीज़ को, सेप्टिक शॉक को। अब सेप्टिक शॉक के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम रिस्क पे है कि हमें सेप्टिक शॉक जो है वो हो सकता है, या एसोसिएटेड फैक्टर्स या कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो कुछ फैक्टर्स हैं होस्ट फैक्टर्स, जिसमें क्या है, एक अगर पेशेंट पेशेंट या कोई भी, मतलब अगर क्लाइंट वेरी यंग एज हो, एक्सट्रीम एज जो है ये एक मेन फैक्टर है, वेरी यंग एज या वेरी ओल्ड एज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्रोनिक एलनेस, अगर क्रोनिक एलनेस है तो सेप्टिक शॉक के चांसेस ज्यादा होंगे। मेन न्यूट्रिशन, ठीक है, द नेक्स्ट है डिबिलिटेशन। डिबिलिटेशन क्या है? डिबिलिटेशन इज वीकनेस, डिजीज की वजह से जो वीकनेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़, कोई भी ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से या ड्रग अब्यूज़ की वजह से सेप्टिक शॉक जो है वो हो सकता है। उसके बाद है न्यूट्रोपिनिया, ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो सेप्टिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्प्लीनेक्टोमी है, ठीक है, स्प्लीन अगर आपका निकाल दिया गया है, ठीक है, तो आपको सेप्टिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोई भी वूंड है, ठीक है, अगर वूंड का आप सही तरह ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है, तो सेप्टिक शॉक हो सकता है उससे भी। ठीक है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर है, अगर मल्टीपल ऑर्गन जो है वो आपके फेल हो चुके हैं, वो जो है वो फंक्शनल नहीं है, तो उससे जो है आपको सेप्टिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर हम देख लें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को या साइन सिम्टम्स को देखते हैं, तो अर्ली स्टेज में सेप्टिक शॉक पे अर्ली स्टेज में बीपी जो है या तो नॉर्मल लिमिट में रहता है, या कभी कभार जो वो हाइपोटेंसिव भी हो जाती है, लेकिन ये फ्लूइड को रिस्पॉन्स करती है अर्ली स्टेज में। ठीक है, उसके बाद हार्ट और रिस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है वो हाई होता है, साथ साथ वेसोडाइलेशन होती है, वेसोडाइलेशन के साथ साथ कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया विद वार्म फ्लश स्किन बाउंडिंग पल्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज यूरिनरी आउटपुट नॉर्मल आर डिक्रीज। उसके बाद अगर जीआई सिस्टम को हम देखें तो जीआई सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, नौजिया वॉमिटिंग डायरिया और बाउल साउंड से वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, और मेंटल स्टेटस में सबल चेंजेस आएंगे, माइनर चेंजेस जो है वो मेंटल स्टेट के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये सेप्सिस जो है ये प्रोग्रेस करेगा, तो प्रोग्रेशन के बाद इसका कार्डियक आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बीपी जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, स्किन जो है वो कूल और पेल हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल या बिलो नॉर्मल चला जाएगा, हार्ट और रिस्पिरेटरी रेट जो वो रैपिड हो जाएंगे, एन्यूरिया या मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जो है वो उसकी तरफ पेशेंट प्रोग्रेस करेगा। अब ऊपर जो है वो पेशेंट का बीपी जो था या नॉर्मल था या जो है वो हाइपोटेंसिव था, ठीक है, लेकिन वेजोडाइलेशन हो रही थी। अब नीचे जब सेप्सिस प्रोग्रेस करता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, अब ऊपर वेजोडाइलेशन है, इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन है, क्यों? ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। ठीक है, सेपरेट इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। अब इसके मैकेनिज्म में, अब इसमें मेन तीन चीज़ें, जब भी कोई भी, अगर कोई भी सेप्सिस का मतलब क्या है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंजाई हो सकती है, ठीक है, वो कोई वायरस हो सकता है, ठीक है, या कोई इंटरनल फैक्टर हो सकता है हमारी बॉडी का। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने रिएक्ट करना है किस चीज़ के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के साथ और कोगुलेशन सिस्टम के साथ। सेप्टिक शॉक के अंदर तीन चार चीज़ें जो है ये इन्वॉल्व है। ठीक है, एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है, दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम, थर्ड हमारा इन्फ्लेमेटरी सिस्टम और फोर्थ हमारा कोगुलेशन सिस्टम। ये चार सिस्टम्स इन्वॉल्व है, ये चार चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, होता क्या है कि जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यून सिस्टम आपस में रिएक्ट कर जाती है, उसी टाइम पे TNF रिलीज होता है, जिनको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं, वो TNF क्या है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर।
ये ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर क्या करता है, ये ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जैसे रिलीज होता है ना, ये तीन चीज़ों को एक्टिवेट करता है, कोगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। टीएनएफ ने क्या किया, एनाफाइलेक्टिक शॉक एक दफ़ा बता दे, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक बताऊं, अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बच्ची का क्वेश्चन है कि एनाफाइलेक्टिक द्वारा बता दे, ठीक है, समझ नहीं आई उसे। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, ठीक है, सुन लो आप लोग, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एलर्जिक रिएक्शन। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को उस टाइम भी आपसे, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह पढ़े होंगे। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आप लोगों ने टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा होगा। टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी को हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, या हम उसे कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। उस एलर्जिक रिएक्शन में या एनाफाइलेक्सिस में क्या इन्वॉल्व है, उसे ये जो है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो है IgE एंटीबॉडी, ठीक है। जो मेन मेन रोल जिस एंटीबॉडी का है वो क्या है, वो कौन सी है, वो IgE एंटीबॉडी है, ठीक है। अब एनाफाइलेक्सिस किसी भी चीज़ से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, ठीक है। हर इंसान का डिफरेंट एलर्जन होता है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी फूड पार्टिकल से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को पोलन से एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, ठीक है। हर इंसान को डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है, ठीक है। अब जब भी आपका एलर्जन जो है वो आपके जब भी एलर्जन जो है वो आपकी बॉडी में आता है, तो आपके अंदर जो है वो स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज रिलीज होती है, और उन स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज़ ने जाके उसके ऊपर अटैक करना होता है, ठीक है, और साथ साथ जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जाते हैं, जिसके जो कि एक गैर ज़रूरी काम है, ठीक है। इसीलिए उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब सेंसिटिविटी की हद तक तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हमारी बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब एनाफाइलेक्सिस में क्या है, एनाफाइलेक्सिस में या तो IgE मीडिएटेड होंगे या नॉन IgE मीडिएटेड होंगे, ठीक है। अब IgE मीडिएटेड क्या है और नॉन IgE मीडिएटेड क्या है, फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन आता है, ठीक है, तो IgE एंटीबॉडी ने क्या करना है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ने क्या करना है, इम्यून सिस्टम ने आई स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज करनी है, और उन स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज ने क्या करना है, उन्होंने ब्लड में सर्कुलेट होना है, ठीक है, ब्लड में स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जब नेक्स्ट टाइम यही सेम एंटीजन दोबारा आएगा इस बॉडी में, तो उसी टाइम ये जो सर्कुलेटिंग IgE एंटीबॉडी है ना, उन्होंने फौरन से पहले इस एंटीजन को पकड़ना है, ठीक है, और उसके साथ लड़ना शुरू कर देना है, इनगल्फ करना शुरू कर देना है, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया IgE मेडिएटेड एनाफाइलेक्सिस। अब दूसरा है नॉन IgE मेडिएटेड एनाफाइलेक्सिस, जिसको हम एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शंस कहते हैं। अब एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शंस क्या है कि इसमें IgE का रोल नहीं है, IgE इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई एंटीजन अंदर आता है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली मीडिएटर्स को एक्टिवेट कर देता है, जितने भी हमारी मीडिएटर्स है, मैस सेल्स है, बेसोफिल्स है, ठीक है, ये सारी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, और एक्टिवेशन के बाद ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर देते हैं, ठीक है। वो मीडिएटर्स कौन कौन से, वो मीडिएटर्स जो है वो सेरोटोनिन है, ब्रेडिकाइनिन है, थ्रोम्बोक्सिन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ये रिलीज हो जाती है, ठीक है, और बॉडी के अंदर जो है वो एक सिस्टम जो है वो जनरेट हो जाता है, उस सिस्टम जो है वो इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, काफ़ी सारी जो है वो हीमोडाइनामिकली चेंजेस जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है कि एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होता है, ठीक है, उसी वजह से केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, उन केमिकल मीडिएटर्स ने सिस्टमिक वैसोडाइलेशन करना होता है, ठीक है, हाइपोटेंशन होती है रैपिडली, कैपिलरी परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, कोरोनरी वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, आर्टिकेरिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और कार्डियक एबनॉर्मिलिटी स्टार्ट हो जाती है।
दो तरह की सिम्टम्स आते हैं, अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और लेट क्लिनिकल। ठीक है, अर्ली में क्या है, जनरलाइज एडिमा है, अर्टिकेरिया, प्रोराइटस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिज़निया, वीजिंग वगैरह। ठीक है, और लास्ट अगर लेटर हम देखें तो स्टाइडर, लेरिंजियोडीमा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन विद स्टाइडर, हाइपोटेंशन वगैरह ये हो जाते हैं। ठीक है, अब मेडिकली हमने इसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले आप इसकी सबसे पहले जो कॉजेटिव एजेंट है ना, जिसकी वजह से ये एलर्जी स्टार्ट हुई है, जो हमारा एलर्जन है, सबसे पहले उसे फाइंड करो और फाइंड करके उसे रिमूव करो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक आईवी एक्सेस लेना है, आईवी पास करनी है पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि कभी भी उसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट या किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आईवी एक्सेस ले लो, कॉन्टीन्यूसली उस पेशेंट को मोनिटर करो। ठीक है, कॉन्टीन्यूस टेलीमेट्री करो, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, साथ में सोलोकॉटिव और एविल लगा लो। सोलोकॉटिव जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, और एविल जो है ये एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, वो आप इन्फ्यूज़ करो, वो लगा लो। अगर पेशेंट को इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप पेशेंट को इंट्यूबेट करो, मैकेनिकली वेंटिलेट करो। ठीक है, और साथ साथ में हार्ट को सपोर्ट करने के लिए जो है, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आइनोट्रॉप्स दे दो। टेलीमेट्री का मतलब है जो हम ये वाइटल साइंस वगैरह लेते हैं, ये टेलीमेट्री है। ठीक है, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, ये टेलीमेट्री। टेलीमेट्री असल में ना, आप लोगों ने शायद किसी ने सीसीयू में ड्यूटी की होगी। सीसीयू में क्या है, सीसीयू में हर एक बेड के ऊपर एक कार्डियक मॉनिटर लगाए, ठीक है, और उनकी काउंटर पे एक एलसीडी लगी है। उस एलसीडी के अंदर, उस एलसीडी के साथ सारे कार्डियक, जितने भी कार्डियक मॉनिटर्स है ना सारी सीसीयू में, वो सारी उसके साथ अटैच है। ठीक है, उधर नंबरिंग शो होती है, और साथ साथ हर एक मॉनिटर की रीडिंग आती है। इसे असल में कहते हैं टेलीमेट्री। ठीक है, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस के दौरान या एनाफाइलेक्सिस के अंदर जो है वो हम एपिनेफ्रीन का डोज देते हैं। ठीक है, अगर आईवी एक्सेस मौजूद नहीं है तो आपने आईएम देना है, और आईएम आपने कितना देना है, 0.01 mg/kg देना है। ठीक है, मैक्सिमम 0.5 तक जा सकते हो। और लगाना कहाँ पे, लगाना है एंटेरो लेटरल थाई के ऊपर लगाना है, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको आईवी एक्सेस मिल गया, तो आईवी एक्सेस में आपने 100 ml के अंदर 1 mg डालना है। तो इसका मतलब है कि 1 ml के अंदर कितना आया, 10 micrograms आए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फ्यूजन पम्प के थ्रू देना, ऐसे इंजेक्ट नहीं करना या ऐसे बोलस नहीं देना। ठीक है, आपने इन्फ्यूजन पम्प के थ्रू देना है, और इन्फ्यूजन पम्प कितने पे चलाना है, 30 to 100 ml/hr पे चलाना है। ठीक है, और फिर आराम आराम से उसे टाइट्रेट करना है, उसे कम करने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टाफ इन्फ्यूजन 30 minutes आफ्टर साइन एंड सिम्टम हैव रिजॉल्व। आपने बंद कब करना है, आपने जो है वो जब पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाए, उसके सारे साइन सिम्टम्स खत्म हो जाए, उसके 30 minutes बाद जो आपने इन्फ्यूजन को स्टाफ करना है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट को कैसे फाइंड करते हैं, कॉजेटिव एजेंट फाइंड करना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी। ठीक है, जब भी अगर आपको एलर्जी हो ना किसी चीज़ से, अगर आप डॉक्टर के पास, किसी भी फिजिशियन के पास जाते हो, फिजिशियन आपको क्या कहता है, किस चीज़ से एलर्जी, क्योंकि उसे पता नहीं होता। ठीक है, तो एलर्जन को फाइंड करना जो है ये हमारा अपना काम होता है। या हम इसमें किस तरह करते हैं, इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि वहाँ पे जाके जो है वो आप हिस्ट्री वगैरह लेते हो। ठीक है, हिस्ट्री में से आप निकालते हो, आप अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ, इसने ये चीज़ दी है, इस चीज़ के साथ इसका कॉन्टेक्ट हुआ, इस चीज़ के साथ इसका कॉन्टेक्ट हुआ, तो इस चीज़ से एलर्जी जैसे हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई और क्वेश्चन, दूसरी बात जो है एलर्जन को फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं स्किन स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, उसका नाम है स्किन स्क्रैच टेस्ट। ठीक है,
स्किन स्क्रैच टेस्ट में क्या करते हैं, स्किन स्क्रैच टेस्ट में हम जो कॉमन एलर्जेंस है ना, हम सारे कॉमन एलर्जेंस को ले लेते हैं, ठीक है। उन सारे कॉमन एलर्जेंस को हम क्या करते हैं, हम आर्म के ऊपर उसे इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियसली या इंजेक्ट कर लेते हैं, या हम इंजेक्ट कर लेते हैं उनको इंट्राडर्मली, ठीक है। सारे हम इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं, हम वेट करते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए, हम देखते हैं उसे, ठीक है। हम उसे वेट करके देखते हैं कि किस चीज़ से जो है उसे एलर्जी हो रही है, ठीक है। उसमें से हम फाइंड करते हैं कि चीज़ जो है, या जो एलर्जन है वो हमारा कौन सा है। समझ आ गई है? नहीं आई इसमें, ठीक है। एलर्जन को फाइंड करने के लिए जो मेन टेस्ट यूज़ होता है वो है स्क्रीन स्किन स्क्रैच टेस्ट। स्किन स्क्रैच टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एलर्जन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे उसे इंजेक्ट कर लेते हैं इंट्राडर्मली, ठीक है। इंट्राडर्मली उसे इंजेक्ट कर लेते हैं, फिर हम वेट करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि एट अ टाइम जो है हम काफ़ी सारे एलर्जेंस को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और तब हम वेट करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका एक मेन डिसएडवांटेज भी है। मेन डिसएडवांटेज ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलर्जन जो है वो आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर जो है वो रिएक्शन कर जाए, ठीक है। तो 1 घंटे, या आपने पेशेंट को अपने सामने बिठाया 30 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए, ठीक है, वो चला जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें 6-7 घंटे बाद जो है वो रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये एक नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा ये है कि एट अ टाइम हम जो है वो काफ़ी सारे एलर्जेंस को एट अ टाइम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट डोज वो वही है, टेस्ट डोज है ना, स्किन टेस्ट कर लेते हो आप टेस्ट कर रहे हो कि किस चीज़ से इसे एलर्जी। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, सेप्टिक शॉक एनाफाइलेक्टिक के अंदर कोई और क्वेश्चन? चलिए, चलिए आपको आते अपने टॉपिक की तरफ, सेप्टिक शॉक की तरफ, ठीक है। सेप्टिक शॉक में मैंने आप लोगों को क्या कहा कि सेप्टिक शॉक में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है। सर टेस्ट डोज और स्किन क्रेस टेस्ट? नहीं, स्किन टेस्ट डोज या स्किन स्क्रैच टेस्ट जो है वो सेम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्किन स्क्रैच टेस्ट में हम टेस्ट डोज देते हैं। स्किन स्क्रैच टेस्ट क्या है, स्किन स्क्रैच टेस्ट में हम बहुत सारी टेस्ट डोज देते हैं, बहुत सारे एंटीजन ले लेते हैं, काफ़ी सारी 7, 8, 10 हम एलर्जन लेते हैं या एंटीजन लेते हैं, और उनका हम टेस्ट डोज देते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्किन स्क्रैच टेस्ट के अंदर हम टेस्ट डोज देते हैं डिफरेंट एंटीजन्स का। ठीक क्लियर है? ठीक है, सेप्टिक शॉक की तरफ आती है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यून सिस्टम आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो TNF रिलीज होता है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, जिसको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जैसे रिलीज होता है, ठीक है, तो उसने क्या करना है, इसने 3 चीज़ों को एक्टिवेट करना है, 3 सिस्टम को एक्टिवेट करना है। कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना है, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करना है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जैसे ही इन तीनों को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, तो साथ ही WBC जो है वो मुख्तलिफ मीडिएटर्स रिलीज कर लेती है। उस WBC का काम क्या है, उस WBC जो मीडिएटर रिलीज करते हैं, उन मीडिएटर्स का काम क्या है, उन मीडिएटर्स का काम ये कि एपिथेलियल्स जितनी भी सेल्स हैं ना, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देती है। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जैसे वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, TNF की वजह से जो है वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, वेजो डायलेशन हो जाती है यहाँ पे। वेजो डायलेशन ये जो हम अभी पढ़ रहे थे कि अर्ली स्टेज में क्या होता है, वेजो डायलेशन होती है। तो वेजो डायलेशन किस वजह से हो गई, वेजो डायलेशन जो है ये परमेबिलिटी इंक्रीजमेंट की वजह से वेजो डायलेशन हो गई, साथ में ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स की वजह से वेजो डायलेशन हो गई, ठीक है। और जितना भी हमारा प्रोटीन रिच प्लाज्मा या प्रोटीन रिच फ्लूड है,
वेस्कुलर सिस्टम से इंटरस्टिशियल सिस्टम की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम से इंटरस्टिशियल की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें जो है वो, ठीक है दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है, ये असल में स्लाइड में मौजूद नहीं है, मैंने कहीं और से, ठीक है देख लो। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, रिएक्ट किया किस चीज़ के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा सही तरह, लेकिन चलो एक दफ़ा सुन लो आप लोग। इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, इन दोनों ने एक फैक्टर जो है वो रिलीज हुआ बॉडी के अंदर, वो फैक्टर कौन सा है, वो है टीएनएफ फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है। ये टीएनएफ फैक्टर जो है ये क्या है, ये टीएनएफ फैक्टर जो है इसको हम कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, ठीक है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ने क्या किया, इस प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ने तीन चीज़ों को एक्टिवेट किया, वो कौन सी, एक कोएगुलेशन को एक्टिवेट किया, ठीक है, यहाँ पे कोएगुलेशन प्रोफाइल को एक्टिवेट किया, इसने दूसरा जो एक्टिवेट किया वो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को एक्टिवेट किया, और थर्ड जो एक्टिवेट किया वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये तीन चीज़ एक्टिवेट हो गई, ठीक है। साथ में WBC ने क्या किया, WBC ने अपने केमिकल मीडिएटर्स जो वो रिलीज़ किए, अब उन केमिकल मीडिएटर्स ने जाके क्या किया, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट किया, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स की परमिबिलिटी को इंक्रीज़ किया। अब परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जितना फ्लूइड था वो बाहर निकलना शुरू हो गया इंटरस्टिशियल की तरफ, ठीक है, तो वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूइड का मेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ओके। अब टीएनएफ रिलीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब इसको बैलेंस भी तो करना है ना किसी ने, इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ रिलीज होती है, इंटरल्यूकन रिलीज होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर इंटरल्यूकन 1 रिलीज होता है, ठीक है, और साथ साथ प्रोटीन सी जो है वो रिलीज हो जाता है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये रिलीज हो जाती है, ठीक है, इंटरल्यूकन 1 और प्रोटीन सी, ठीक है, आराम से बताऊं, ओके दोबारा सुन लो आप लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसने, इम्यून सिस्टम ने एक्ट किया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यून सिस्टम ने एक्ट किया, अब बॉडी के अंदर एक फैक्टर रिलीज हुआ जिसका नाम है TNF, इस TNF फैक्टर को हम प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं, ठीक है, ये क्या, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। अब जो TNF रिलीज हुआ, इस TNF ने क्या किया, TNF रिलीज हुआ और साथ में इस TNF ने क्या किया, वेजोडाइलेशन करवाया, वेजोडाइलेशन, ठीक है, एक तो इसने वेसल्स को डायलेट किया, दूसरा जो इसने काम किया, इसने क्या किया, कोएगुलेशन प्रोफाइल को एक्टिवेट किया, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को एक्टिवेट किया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे एक्टिवेट किया। WBC ने क्या किया, WBC ने साथ साथ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज किए, उन केमिकल मीडिएटर्स ने क्या किया, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो एक्ट किया, एपिथेलियल सर्फेसिस के ऊपर एक्ट करके उनकी परमिबिलिटी को इंक्रीज किया, जैसे वो परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इसके अंदर जो फ्लूइड था ना वो फ्लूइड सारा इंटरस्टिशियल की तरफ निकलना शुरू हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड का क्या हुआ, ब्लड का मेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, ओके यहाँ तक क्लियर है, अब ओके क्लियर है। अब इस TNF को नॉर्मलाइज करने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर दो चीजें रिलीज होती है, एक है इंटरल्यूकन 1 रिलीज हुआ और साथ में एक प्रोटीन है प्रोटीन सी वो रिलीज हुआ, ठीक है, अब ये दो चीज़ें रिलीज हो गई। अगर कभी कभार कुछ लोगों में ये दो चीज़ें जो है ये फेल हो जाती है, अगर ये दो चीज़ें जो है ये रिलीज होके फेल हो गई ना तो इस बंदे की जो हालत है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है ये सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, अगर ये सही काम कर गए तो, अगर इन्होंने नॉर्मलाइज किया तो यहाँ पे इन दोनों का काम क्या है, इंटरल्यूकन 1 और प्रोटीन सी का काम क्या है, इन दोनों ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है,
ठीक है, टीएनए अपने वेजो डायलेशन करवानी है, ठीक है, और इंटरल्यूकन वन और प्रोटीन सी ने वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है, बस ये चीज़ याद रखें। सर टीएनए अपने वेजो डायलेशन के साथ क्या करना, वेजो डायलेशन ही करवानी है और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये रिलीज़ होता है तो इसके इफेक्ट की वजह से वेजो डायलेशन होती है, ठीक है, ये दोनों रिलीज होते हैं तो इनके इफेक्ट की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो ये आ रहे हैं बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, ठीक है, ये बॉडी के अंदर क्या आ रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। अब इसके बाद पल्मोनरी चेंजेस में क्या होगा, पल्मोनरी चेंजेस भी आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर की समझ आ गई, नेक्स्ट है हमारे पल्मोनरी चेंजेस। पल्मोनरी चेंजेस में क्या होता है, पल्मोनरी चेंजेस में ये होता है कि न्यूट्रोफिल्स रिलीज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स रिलीज हो गए। न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, न्यूट्रोफिल्स ने कैपिलरी लीकेज स्टार्ट करवाया, कैपिलरी जो उसके अंदर लीकेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब कैपिलरी लीकेज स्टार्ट हुआ तो पल्मोनरी इंटरस्टीशियम में फ्लूइड चला गया, फ्लूइड कहाँ गया, पल्मोनरी इंटरस्टीशियम में। जब पल्मोनरी इंटरस्टीशियम में फ्लूइड चला गया तो पल्मोनरी के अंदर फ्लूइड कम है, ठीक है, तो पल्मोनरी परफ्यूजन जो है वो ख़राब हो गई, पल्मोनरी परफ्यूजन पुअर हो गया, ठीक है। साथ में रेस्पिरेटरी वर्कलोड इंक्रीज हो गया, रेस्पिरेटरी वर्कलोड क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि ब्लड जो है वो इंटरस्टीशियम में चला गया, उसकी वजह से वहाँ पे एडिमा बन गया और एडिमा की वजह से लंग के कंप्लायंस पे इफेक्ट है और लंग की कंप्लायंस, लंग का कंप्लायंस जो है वो कम हो गया। जब लंग का कंप्लायंस कम हो गया, गैसेस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिया में चला जाएगा, ठीक है, और इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पेशेंट जो है वो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर चला गया, ठीक है। ये क्या है, ये पल्मोनरी चेंजेस है। पल्मोनरी चेंजेस की समझ आ गई, न्यूट्रोफिल्स रिलीज हुए, न्यूट्रोफिल्स ने कैपिलरी लीकेज करवाया पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, जैसे कैपिलरी लीकेज हुआ वहां पे तो ब्लूड जितना भी था वो इंटरस्टीशियम के अंदर चला गया, ठीक है। अब इंटरस्टीशियम के अंदर सारा फ्लूइड गया तो वहाँ पे एडिमा डेवलप हुआ, ठीक है, एडिमा की वजह से जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो पुअर हो गया, क्योंकि लंग कंप्लायंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया या लंग कंप्लायंस जो है वो कम हो गया, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इम्पेयर हो गया, पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिया में जाएगा, और इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि पेशेंट जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में गया, क्योंकि पल्मोनरी परफ्यूजन ख़राब हो गई है, पीके रेस्पिरेटरी वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, कंप्लायंस कम हो गई है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स रिलीज हुए, न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, कैपिलरी लीकेज करवाया, कैपिलरी लीकेज, ठीक है, कैपिलरी लीकेज की वजह से क्या हुआ सर, प्लीज़ आपने सारा मैकेनिज्म रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, नेट का बड़ा इशू। मैकेनिज्म के लिए मैं मैकेनिज्म के साइड्स में ऐड कर लूँगा, चल परेशान ना हो आप, मैकेनिज्म की स्टार्ट में ऐड कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, दो सिस्टम हो गए हमारा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नेक्स्ट जो है वो पल्मोनरी हो गया। नेक्स्ट जो जिसके ऊपर इफेक्ट आता है वो है हेमाटोलॉजिक सिस्टम, ब्लड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर तो हो गया, कार्डियक के ऊपर और वेसल्स के ऊपर हो गया, पल्मोनरी के ऊपर हो गया, अब हेमाटोलॉजिक सिस्टम के अंदर कौन क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, मैं स्लाइड्स में अपलोड कर दूँगा। मुझे समझ नहीं आया नजफ, कहाँ से समझ नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। खास समझ नहीं है, पूछो, मैं दोबारा रिपीट करूँ, पल्मोनरी वाला दोबारा सुन लो सुकून से। न्यूट्रोफिल्स रिलीज हो गई, न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया,
न्यूट्रोफिल्स ने जाके पल्मोनरी वेस्कुलेचर के अंदर, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर लीकेज करवाया। जैसे पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो लीक कर गए, तो लीकेज के वजह से उनका सारा फ्लूइड जो कि इंट्रावेस्कुलर के अंदर था वो कहाँ चला गया, वो इंटरस्टिशियम में चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड गया तो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड जाने की वजह से वहाँ पे एडिमा डिवेलप हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एडिमा डिवेलप हुआ तो उसकी वजह से अब वेस्कुलेचर के अंदर ब्लड कम है, तो पल्मोनरी परफ्यूजन जो है वो पुअर हो गई, वो ख़राब हो गई। साथ में रिस्पिरेटरी वर्कलोड जो है वो बढ़ गया। अब रिस्पिरेटरी वर्कलोड क्यों बढ़ा? एडिमा है वहाँ पे, एडिमा की वजह से लंग की कंप्लायंस कम हो गई, लंग को स्पेस नहीं मिल रहा, इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड पड़ा है उनको स्पेस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो कंप्लायंस कम हो गई, कंप्लायंस कम हो गई, उनको स्पेस नहीं मिल रहा, वो सही तरह काम नहीं कर रहा। जब सही तरह काम नहीं कर रहा तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो ख़राब हो गया, इम्पेयर हो गया। गैसेस एक्सचेंज ख़राब होगा तो पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिया में जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, ये जो पुअर पल्मोनरी परफ्यूजन हो रही है, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो ARDS में है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। आप समझ आ गई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजिक सिस्टम। अब हेमाटोलॉजिक सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट आएंगे? हमने ऊपर कहा था कि TNF रिलीज हुआ है, TNF ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। अब इस ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर ने, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसने कोएगुलेशन प्रोफाइल को एक्टिवेट किया था, याद है? ठीक है, TNF जब रिलीज हुआ, TNF ने कोएगुलेशन फैक्टर या कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया था। ठीक है, वहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग हुई थी। अब माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर जो क्लॉटिंग हुई, या इसके अंदर या ये सेप्टिक शॉक के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो उसको हम कहते हैं कंजम्पटिव क्लॉटिंग। कंजम्पटिव क्लॉटिंग का क्या मतलब है? कंजम्पटिव क्लॉटिंग का मतलब है कि माइक्रो वेस्कुलेचर्स के अंदर क्लॉट बन गया, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे बॉडी के अंदर वो सारी यूज़ हो गई। ठीक है, वो सारी यूज़ हो गई ब्लड को क्लॉट करने में या ब्लड को क्लॉट होने में। ठीक है, जब सारी यूज़ हो गई उसके बाद पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सारे फैक्टर्स जो है वो तो ख़त्म हो गए हैं, वो यूज़ हो गए हैं। ठीक है, तो आप कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है जो कि ब्लड को रोक सके, तो उसके बाद जो है वो पेशेंट ब्लीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं कंजम्पटिव क्लॉटिंग। ठीक है, तो हेमाटोलॉजिक के अंदर, सेप्टिक शॉक के अंदर कंजम्पटिव क्लॉटिंग के बहुत चांसेस होते हैं। समझ नहीं आई? सुन लो, TNF रिलीज हुआ था। ठीक है, इस TNF ने क्या किया था? इस TNF ने कोएगुलेशन प्रोफाइल को एक्टिवेट किया था, कोएगुलेशन को एक्टिवेट किया था, याद है? ठीक है, कोएगुलेशन को एक्टिवेट किया था। इस कोएगुलेशन की वजह से माइक्रो वेसल्स के अंदर, माइक्रो या माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, यहाँ पे सही लिखा नहीं जा रहा, ठीक है एक दफा देख लो, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? TNF रिलीज हुआ, TNF ने कोएगुलेशन प्रोफाइल को एक्टिवेट किया, कोएगुलेशन प्रोफाइल ने माइक्रो सर्कुलेशन के ऊपर एक्ट किया और माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब
या ये जो क्लॉटिंग हो रही है ना सेप्टिक के अंदर, इस क्लॉटिंग को हम कहते हैं कंजम्पटिव क्लॉटिंग, कंजम्पटिव, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंजम्पटिव क्लॉटिंग। अब कंजम्पटिव क्लॉटिंग के अंदर क्या होता है, कंजम्पटिव क्लॉटिंग के अंदर क्लॉट जब बन जाता है ना, क्लॉट कैसे बनता है, ये क्लॉट कॉन्टिन्यूस रहता है, ब्लड के अंदर जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना वो सारी यूज हो जाते हैं। जब सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो जाते हैं ना तो ब्लड के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहता, जब कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहता तो पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। आवाज़ का इशू आ रहा है, अब ठीक है आवाज, यहाँ तक ये क्लियर है। टीएनएफ रिलीज हुआ, टीएनएफ ने कोगुलेशन प्रोफाइल को एक्टिवेट किया, कोगुलेशन प्रोफाइल ने माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग करवाया, जिसको हमने डीआईसी का नाम दिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का। अब इसके अंदर जो कोगुलेशन होती है उसको हम कंजम्पटिव कोगुलेशन कहते हैं। कंजम्पटिव कोगुलेशन का मतलब ये है कि क्लॉट बन गया, ठीक है, अब जितने भी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो सारे यूज़ हो गए इस क्लॉट को बनाने में, ठीक है। जब सारे यूज़ हो जाते हैं, ब्लड के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहता तो पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू कर जाता है। चलो गुड, ये वो चीज़ें जो कि लेक्चर के अंदर मौजूद नहीं है, इस पीपीटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर इम्पोर्टेंट है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको पीपीटी में जो है वो ऐड कर लूँ। स्लाइड तो है ही नहीं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ अब आते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट सेप्टिक शॉक के अंदर ब्लड, स्पूटम, यूरिन एंड वूंड ड्रेनेज स्पेसिमन आर कलेक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द कॉज ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सैम्पलिंग करनी है, ब्लड सैंपल लेना है, स्प्यूटम का सैंपल लेना है, यूरिन का सैंपल ले सकते हैं या वूंड ड्रेनेज स्पेसिमन ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि कॉज क्या है इन्फेक्शन का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पोटेंशियल रूट ऑफ इन्फेक्शन आर एलिमिनेटेड, जितनी भी पोटेंशियल रूट थे इन्फेक्शन के जो जिससे हमें लगता है कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल आईवी लाइन है, ठीक है, कोई कैथेटर लगाए, ठीक है, कोई कैथेटर हो सकता है, कोई ट्यूब्स वगैरह हो सकती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम री रूट कर लेंगे अगर नेसेसरी, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम निकाल लेंगे, अगर ज़रूरत है तो हम री रूट कर लेंगे वहाँ से निकाल के, कहीं और जो है वो सही तरीके से सफाई से जो है वो पास कर देंगे, ठीक है। एब्सेसेस आर ड्रेन्ड इन निक्रोटिक एरिया डिब्राइड, ठीक है, जहाँ पे एब्सेस है उन्हें ड्रेन कर लो, उन्हें निकाल दो, ठीक है, और जो निक्रोटिक एरिया है जो जिस जहाँ की सेल जो है वो डेड हो चुके हैं उनको डिब्राइड कर लो, काट लो। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इंस्टीट्यूटेड, फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है, एंड रिकम्बिनेंट ह्यूमन एक्टिवेटेड प्रोटीन एडमिनिस्टर टू पेशेंट विद एंड ऑर्गन डिसफंक्शन और हाई रिस्क ऑफ डेथ, जिसका आपको लग रहा है, ठीक है, कि ये पेशेंट्स जो है ये अब एंड ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ जा रहे हैं या डेथ की तरफ जा रहे हैं, उन्हें आप प्रोटीन जो एक्टिवेटेड प्रोटीन जो है वो भी एडमिनिस्टर कर दो। एक्टिवेटेड प्रोटीन का मतलब ये है कि आप एंटीबॉडीज दे दो, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है उन्हें एडमिनिस्टर कर दो, ठीक है। एग्रेसिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, हाई प्रोटीन डाइट दे दो, ठीक है, एंट्रल फीडिंग जो है वो
प्रेफर है इसमें। अब इंट्रल फीडिंग क्यों प्रेफर है? इंट्रल फीडिंग इसीलिए प्रेफर है क्योंकि बाकी जितनी भी रूट से जिसको हमने जिसको हम पेरेंट्रल रूट का नाम देते हैं, पेरेंट्रल रूट में इशू क्या होता है? पेरेंट्रल रूट में इशू ये होगा कि वहाँ पे अगर पेरेंट्रल रूट के ज़रिए हम कोई चीज़ देंगे तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सीधा ब्लड के अंदर जा रहे हैं, हमारा कनेक्शन ब्लड के साथ है पेरेंट्रल के अंदर, ठीक है। तो पेरेंट्रल में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए एंट्रल फीडिंग जो है वो हम प्रेफर करते हैं इसमें। मेडिकल मैनेजमेंट की समझ आई? दोबारा सुन लो अगर नहीं आई। हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने कॉज को फाइंड करना है। कॉज को फाइंड करने के लिए हम स्पेसिमन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी इन्फेक्शन के रूट से उन्हें हम ख़त्म करेंगे, जितने भी एप्सेज है उन्हें ड्रेन करेंगे, जितने निक्रोटिक एरिया उन्हें डिब्राइड करेंगे, फ्लूड रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और साथ साथ हम अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, या ऑर्गन डिसफंक्शन की तरफ जा रहा है, तो हमने साथ साथ एक्टिवेटेड जो एंटीबॉडीज है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, वो देने हैं, ठीक है। साथ में आपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है, न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। और प्रेपर जो रूट है हमारा न्यूट्रिशन देने के लिए या न्यूट्रिएंट देने के लिए, वो क्या है? वो इंट्रल फीडिंग है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैंने लेना है, तो आप लोग जो है वो 20 मिनट ब्रेक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है। किसी ने नाश्ता नाश्ता करना है तो वो कर लो, ठीक है। और 20 मिनट बाद इंशाल्लाह हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे नेक्स्ट इसका इसके बाद जो लेक्चर है वो भी मैंने लेना है। किसी ने कुछ कहना? चलो आप लोग ब्रेक ले लो, फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को, जिन जिनको समझ नहीं आई इस चीज़ की, मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा।